नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में शराब कैसे बनती है, इसे किस चीज से बनाया जाता है, इसे बनने में कितना समय लगता है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों कहने को तो शराब एक छोटी सी चीज है और जिसकी कीमत भी महज 100 रुपए से शुरू होती है, लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये छोटी सी चीज भारत जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम भी करती है। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक इस शराब को बेचकर भारत ने 30,000 करोड़ रुपए कमाए थे और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी के समय भी लोगों ने दबाकर शराब पी थी, और जिसका एक छोटा सा नमूना अपने लॉकडाउन के दौरान तो जरूर देखा ही होगा कि कैसे लोग लंबी कतारों में लगे हुए थे सिर्फ और सिर्फ इस शराब को खरीदने के लिए। लेकिन शराब में ऐसा क्या है, इसे किस तरह से बनाया जाता है और इसमें ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जिसे पीने के बाद लोगों की चाल ढाल से लेकर उनकी बोल चाल तक बदल जाती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की जानी मानी ब्रांड रॉयल स्टैग को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इंडिया में पहली बार इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1995 में लगाया गया था और आज भी हमारे देश में इसके सिर्फ 4 जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दमन, कोलकाता, मुंबई एंड गुड़गांव। रॉयल स्टैग विस्की को बनाने के लिए मुख्यतः हाई क्वालिटी के गेहूं और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें सीधे खेतों से हार्वेस्ट करके फैक्ट्रियों में लाया जाता है और यहीं से रॉयल स्टैग विस्की बनाने का पहला स्टेप शुरू होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सभी अनाज को 12 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। अब 12 घंटे बाद इस अनाज को फिर से निकाला जाता है और अब फिर से इसे नए पानी में 24 घंटों के लिए भिगोकर रख दिया जाता है और अब इस अनाज को बड़े बड़े वाटर टैंक से बाहर निकाला जाता है और अगली प्रोसेस में ना फर्श पर सूखने के लिए रख दिया जाता है और इस अनाज को सुखाने का यह प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। और इसके बाद शुरू होता है माल्टिंग प्रोसेस और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरत होती है धुएं की और इसके लिए आग की भट्टियां चलाई जाती है। और इससे निकलने वाले धुएं को उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर अनाज सूख रहा होता है और यहां जो अनाज पड़ा होता है वो अपने अंदर इस धुएं को अब्सॉर्ब कर लेता है। और आपको बता दूं कि इस प्रोसेस की वजह से ही विस्की में स्मोकी फ्लेवर आता है। अब माल्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद अनाज का क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके लिए अनाज को बंद कमरे में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। अब क्वालिटी चेक में पास हो जाने के बाद इस अनाज को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और जहां से ये ग्राइंडिंग मशीन तक पहुंचते हैं और जब ये अनाज अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है तो इसके बाद शुरू की जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस और अब इस प्रोसेस में अनाज को सड़ाया जाता है। जी हां, आपने सही सुना, इस अनाज को अब सड़ाया जाता है और इस अनाज को सड़ाने के लिए इसे एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और अब इस कंटेनर में खमीर यानी कि यीस्ट का पानी मिलाया जाता है और इस यीस्ट की वजह से ये अनाज काफी तेजी से सड़ता है और 2 दिनों के लिए इस अनाज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और 2 दिन के बाद इसमें से काफी तेज अल्कोहल की स्मेल आने लगती है और इस स्मेल की वजह से कर्मचारी को ये पता चलता है कि ये अब एकदम तैयार है और इसके बाद यह टैंकर में लगे इस पाइपलाइन की मदद से अनाज में से अल्कोहल पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और जिसे एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन अभी ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है और स्कॉच विस्की से मतलब ये है कि जिन्हें कम से कम 3 साल तक स्टोर करके रखा हो और जिसके बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेजा गया हो, इस तरह की विस्की को ही स्कॉच विस्की कहा जाता है। और जो सिंपल विस्की होती है उन्हें बिना स्टोर किए डायरेक्ट मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन रॉयल स्टैग को 3 साल तक स्टोर करने के बाद ही पैक किया जाता है। वैसे कभी न कभी आपने ये भी सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है और शायद इस वजह से भी रॉयल स्टैग अपनी हर विस्की को 3 साल तक स्टोर करके रखता है और ठीक 3 साल के बाद इनकी पैकेजिंग शुरू हो जाती है। वैसे इनकी पैकेजिंग प्रोसेस देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ इतनी तेजी और फुर्ती के साथ रॉयल स्टैग की विस्की को पैक किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब पैकेजिंग के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आज इस शराब की वजह से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि शराब की वजह से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं और कईयों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग इसे जमकर पीते हैं। दोस्तों शराब की जैसे एक और चीज है सिगरेट। आज करोड़ों लोग भारत में धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करते हैं
ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो आइए देखते हैं कि फैक्ट्रियों में से कैसे बनाया जाता है। सिगरेट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है तंबाकू, और तंबाकू बनाने के लिए इसकी नर्सरी लगाई जाती है। इसके छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं और ये नर्सरी जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो इन छोटे छोटे पौधों को यहाँ से निकाल कर खेतों में रोप दिया जाता है, और सिर्फ 3 से 4 महीनों के अंदर तंबाकू के ये पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं और अब इसके बाद इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इन पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों को काफी सावधानी से तोड़कर अलग कर लिया जाता है, और इन पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद अब बारी आती है इन्हें सुखाने की। सिगरेट बनाने के लिए इन्हें काफी अच्छे से सुखाना जरूरी होता है। इन पत्तियों को सुखाने के लिए इन्हें एक दूसरी फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर कुछ कर्मचारी इन पत्तियों को एक एक कर धागे में पिरोने का काम करते हैं, और धागों से बांध कर इन्हें लकड़ियों के बड़े बड़े फ्रेम से लटका दिया जाता है, और कुछ दिनों तक ये ऐसे ही लटके रहते हैं, और फिर कुछ दिन के अंदर ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं। अब इन्हें इन लकड़ियों के फ्रेम से उतार कर एक दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, और जहां पर कर्मचारियों के द्वारा इन एक एक पत्तियों की बारीकी से जांच की जाती है, और यहाँ जो पत्ते खराब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, और जो सही पत्ते होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पैक करके सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। अब इस फैक्ट्री में पहुंचने के बाद अब इन पत्तों को एक मशीन में डाला जाता है, और जिससे इन पत्तों के छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते हैं। तो अब सिगरेट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो तैयार है। अब फैक्ट्री में बनाए जाते हैं सिगरेट के फिल्टर। दोस्तों सिगरेट का जो फिल्टर होता है वो सेल्युलोज एसीटेट फाइबर से बनाया जाता है। सेल्युलोज एसीटेट को पानी में भिगोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है, और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ये एक रोलिंग मशीन से होकर गुजरते हैं। ये रोलिंग मशीन इस फिल्टर को पूरी तरह से तैयार कर देती है। अब नेक्स्ट स्टेज में सिगरेट का पेपर तैयार किया जाता है, और इस सिगरेट का पेपर रोलिंग पेपर से बनाया जाता है। अब इस रोलिंग पेपर को एक मशीन में डाला जाता है, और ये रोलिंग मशीन इस पेपर को सिगरेट के आकार में रोल करने का काम करती है। तो अब आप देख सकते हैं कि सिगरेट बनाने के लिए उसका पेपर, फिल्टर और तंबाकू, ये तीनों तैयार हैं। अब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है। यहाँ ये मशीन सिगरेट के पेपर में फिल्टर डालने का काम करती है। मशीन में जाने के बाद जब ये रोलिंग पेपर अपने फिल्टर से अटैच हो जाता है तो फिर इसे एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। यहाँ पर ये मशीन इस खाली सिगरेट में तंबाकू भरने का काम करती है। इसके बाद इस सिगरेट को क्वालिटी चेक से होकर गुजारा जाता है, क्योंकि अब हर एक सिगरेट को एक कर्मचारी के द्वारा चेक नहीं किया जा सकता है, तो इसी वजह से इसकी क्वालिटी चेक मशीन के द्वारा ही की जाती है। और यहाँ ये मशीन हर एक सिगरेट की बारीकी से जांच करती है, और जो सिगरेट टूटा होता है, खाली होता है, यानी कि इसमें तंबाकू नहीं भरा होता है, उसे ये मशीन हटा देती है। क्वालिटी चेक हो जाने के बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये काम भी मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। सिगरेट के जो बॉक्स होते हैं उनमें ये मशीन सिगरेट भरने का काम करती है। इसके बाद इनका एक बड़ा बैच बनाया जाता है, और फिर इन्हें सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से फैक्ट्रियों में ये सिगरेट बनाई जाती है। दोस्तों जितनी मजेदार इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, ये सभी हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही ज्यादा डेंजरस होती है। इनकी शुरुआत भी काफी कम मात्रा में होती है, लेकिन एक कप हमारी आदत बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और फिर ये हमारी पूरी बॉडी को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो हो सके तो इन सभी चीजों से खुद को और अपने परिवार को भी दूर रखें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो सभी ये जान सके कि फैक्ट्रियों में ये सभी चीजें आखिर बनती कैसे हैं। और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।